आईएएस टीना डाबी मैटरनिटी लीव पर चली गई हैं। टीना डाबी मां बनने वाली हैं। कुछ महीने के बाद उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। जैसलमेर को अलविदा कहते हुए टीना डाबी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है। इस पोस्ट में टीना डाबी ने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों के जरिए आईएएस टीना डाबी ने अपना अनुभव शेयर किया है। टीना डाबी ने पोस्ट कर लिखा, मैं सचमुच सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जिला कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट के रूप में एक साल तक इस अद्भुत जिले की सेवा करने का अवसर मिला। मैं जैसलमेर से ज्ञान का खजाना लेकर निकल रही हूं, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। यहां काम करने और सीखने का एक शानदार अनुभव रहा है। मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं। जैसलमेर आपकी याद आएगी। आपको बता दें कि आईएएस टीना डाबी ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर मैटरनिटी लीव मांगी थी, जिसके बाद उनके गर्भवती होने की बात सामने आई थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि टीना के छुट्टी पर जाने के बाद जैसलमेर को नया कलेक्टर मिल सकता है। गुरुवार रात सरकार की ओर से 39 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए थे। इसमें आशीष गुप्ता को जैसलमेर का कलेक्टर बनाया गया है। आशीष जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। आशीष गुप्ता 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वह अभी जयपुर में कार्यरत हैं। 2015 बैच की टॉपर आईएएस टीना डाबी ने आईएएस प्रदीप गवांडे से दूसरी शादी की थी। 20 अप्रैल 2022 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। इससे पहले टीना ने आईएएस अथर आमिर खान से शादी की थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।